मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बीजेपी में शामिल होने पर धर्मेंद्र ने दिया सनी देओल को संदेश। पंजाब की गुरदासपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल के पर्चा दाखिल करने से पहले सनी के लिए उनके पिता और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने एक संदेश लिखा है। धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, राजनीति मुकद्दर में थी, हम चले आए। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन भली बुरी बातें कहेंगे, उनकी सबकी बातें सर माथे पर। एक बात मैं दावे से कह देना चाहता हूं कि जो काम बीकानेर में 50 साल से ना हो सका था मैंने 5 साल में करवा दिए थे। आपको बता दें कि सनी देओल कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले धर्मेंद्र भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। देओल परिवार से बीजेपी में शामिल होने वाले सनी तीसरे शख्स हैं। बीजेपी में शामिल हुए पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस, केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से उम्मीदवार हर्षवर्धन और पार्टी के अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही हंसराज हंस बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। दलेर मेहंदी हंसराज हंस के समधी हैं। हंसराज हंस के बेटे नवराज हंस और दलेर मेहंदी की बेटी अभिजीत कौर ने साल 2017 में शादी की थी। साल 1995 में अपनी पहली एल्बम बोलो तारा रारा से वो हिट हुए थे। फैमिली संग रेस्टोरेंट में नजर आई प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों मुंबई आई हुई हैं। खास बात यह है कि बीती रात प्रियंका मुंबई के एक रेस्तरां में स्पॉट की गई। उनके साथ उनकी मां मधु चोपड़ा, भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और परिवार के कुछ खास लोग भी नजर आए। प्रियंका चोपड़ा जोनस शादी के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी अपने ससुराल वालों के साथ वैकेशन को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग को लेकर। फिलहाल वो मुंबई में हैं और एक रेस्तरां में नजर आई। ओवर प्रोटेक्टिव हैं बोनी कपूर। एक्ट्रेस जानवी कपूर और उनकी छोटी बहन खुशी कपूर ने नेहा धूपिया के चैट शो BFFs with Vogue में शिरकत की। यहां दोनों बहनों ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। खुशी कपूर ने बताया, पिता बोनी कपूर उन्हें और उनकी बहन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो कभी कभी इतनी सख्ती बरतते हैं कि मुझे लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। जब नेहा ने खुशी से पूछा, तुम 18 साल की हो, मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या तुम किसी तरह की मुसीबत में कभी फंसी हो, तो इस सवाल के जवाब में खुशी ने कहा, कर्फ्यू, मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, पापा सब ध्यान रखते हैं। एक बार डैडी ने मेरे दोस्त को एक मैसेज किया था, हेलो बेटा, अपनी और खुशी की फोटो भेजो। इसके बाद नेहा ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार इस बात से खुश है कि तुम डेटिंग कर रही हो या तुमने उन्हें इस बारे में बताया नहीं है? तो खुशी ने कहा, मुझे लगता है कि पापा को मेरे एक अच्छे इंसान के साथ रहने पर कोई परेशानी नहीं होगी। आमिर खान की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे बेटे जुनैद। बॉलीवुड में लॉन्च होने वाले स्टार किड्स की लिस्ट में इस साल आमिर खान के साहबजादे जुनैद का नाम भी शामिल होता, पर उनके मिस्टर परफेक्शनिस्ट पिता के ऊंचे मापदंडों पर खरे नहीं उतरने के कारण वो ये मौका पाते पाते चूक गए। आमिर के करीबियों ने इस जानकारी से अवगत कराया कि लाल सिंह चड्ढा से जुनैद की ग्रैंड लॉन्चिंग तय थी। इसके लिए जुनैद की कुछ महीने ट्रेनिंग भी हुई, उन पर फिल्म के कुछ सीन भी फिल्माए भी गए, पर उनकी परफॉर्मेंस से उनके पिता आमिर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। जुनैद ने अपनी तरफ से जोर तो बहुत लगाया पर आमिर की एक्सपेक्टेशंस लेवल को मैच नहीं कर पाए। आमिर को लगा कि जुनैद मूल फिल्म के टॉम हैंक्स वाले रोल को लाल सिंह चड्ढा के नायक के तौर पर उस मैच्योरिटी के साथ प्ले नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्होंने फिर कमान अपने हाथों में ले ली, तय किया कि वो इस रोल को खुद ही प्ले करेंगे। पहली बार ट्रांसजेंडर का रोल करेंगे अमिताभ बच्चन। 2011 में आई तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म मुन्नी 2 कंचना जबरदस्त हिट हुई थी। अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने वाला है जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में है। वो राघव का रोल अदा करेंगे जिस पर एक ट्रांसजेंडर महिला की आत्मा रहती है और उसका मकसद अपनी मौत का बदला लेना है। इस हॉरर फिल्म से अब एक और बड़ा चेहरा जुड़ने जा रहा है। खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन को अहम रोल के लिए साइन किया गया है। कंचना के हिंदी रीमेक में अमिताभ बच्चन अपने करियर में पहली बार ट्रांसजेंडर का रोल अदा करेंगे। वो फिल्म में कंचना की भूमिका में दिखेंगे। कंचना वो ट्रांसजेंडर महिला है जिसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए राघव के शरीर पर वास किया है। करण जौहर की फिल्म से डेब्यू करेंगी खुशी कपूर। जानवी कपूर के बाद अब उनकी बहन खुशी कपूर भी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। खुशी ने खुद इस बात की जानकारी दी। जानवी और खुशी नेहा धूपिया के सेलिब्रिटी टॉक शो BFFs with Vogue पर पहुंची।
खुशी ने अपने बॉलीवुड डेब्यू प्लान के बारे में भी बताया। खुशी ने कहा, मैं जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करूंगी। पहली फिल्म मैं करण जौहर के साथ ही करना चाहती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी फिल्म के हीरो का चुनाव मेरे पिता ही करेंगे, क्योंकि वो मुझे लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। चुनाव पर बोले सैफ अली खान। सैफ अली खान ने लोगों से आम चुनावों में मतदान करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नेता को देश की एकता की ताकत से अवगत होना चाहिए। एक कार्यक्रम में पहुंचे सैफ अली खान ने कहा कि प्रत्येक वोट मायने रखता है। उन्होंने कहा, मतदान नहीं करना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आप वास्तव में परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जिन चीज़ों से किसी भी सरकार या किसी भी नेता को भय होना चाहिए और उससे अवगत होना चाहिए, वो है इस देश की एकता की ताकत। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने भी महसूस किया है कि उन्हें अपने घोषणा पत्र लाने जरूरी है, इसलिए आपको पढ़कर चीजें पता लगानी होंगी। आप जो भी पढ़ें उस पर भरोसा नहीं कर लीजिए। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।